Sixth topic of values, morals and ethics chapter is sources of morals. Moral values good or bad standard की होती हैं जो किसी person के behavior और choices को guide करती हैं. Individual के morals society, government, religion या self से develop हो सकते हैं. Society और government के moral values लॉज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं, जिससे सोसाइटी के मॉरल्स भी चेंज होंगे. फॉर एग्जांपल, मॉरल वैल्यूज पे लॉज के चेंज होने का इम्पैक्ट मैरिज वर्सेस लिविंग टुगेदर केस में देखा जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट, यह किसी इंडिविजुअल के करैक्टर की बेसिक फाउंडेशन होती हैं जो कि किसी चाइल्ड के अर्ली ईयर्स में डेवलप होती हैं और उसके पेरेंट्स की वैल्यूज और बिलीव्स के अकॉर्डिंग शेप होती हैं. सेकंड पॉइंट, एजुकेटर्स और पीयर यानी कि हमारे कुलीग्स या फ्रेंड्स के साथ इंट्रैक्शंस भी मॉरल वैल्यूज के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. थर्ड पॉइंट, सोसाइटी भी नॉर्मली मॉरल वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करती है. एथिक्स ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा एक्सेप्टेड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसका कोई इंडिविजुअल मेंबर होता है, जबकि मॉरल वैल्यूज किसी पर्सन के मॉरल कंडक्ट पे बेस्ड होते हैं. फोर्थ पॉइंट, मॉरल वैल्यूज कोई पर्सन खुद में से भी डेवलप कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को छूना या टच करना भूल जाए तो उसे यह ज़रूर पता होगा कि उस सब्जेक्ट को छूने से पहले उसे उसके पीछे देखना होगा कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है. ऐसे बिहेवियर को टीच करने की ज़रूरत नहीं है. फिफ्थ पॉइंट, रिलीजन भी मॉरल वैल्यूज़ का एक सोर्स है. बहुत से रिलीजन्स की डूज और डोंट्स की एक लिस्ट होती है जिन्हें उसके फॉलोअर्स को फॉलो करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, किसी रिलीजन में अगर पॉलीगैमी दी गई है तो उसके फॉलोअर्स एक से ज़्यादा स्पाउस होने पर भी गिल्ट फील नहीं करेंगे, जबकि कुछ रिलीजन्स में यह फील किया जाता है कि उसके फॉलोअर्स को मोनोगैमस रहना चाहिए यानी कि सिंगल मैरिज करनी चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.